अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज शादेब एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने सिम कार्ड के ड्राइवर से कैसे इंस्टॉल करने हैं अपने लैपटॉप या फिर पीसी में। तो यार, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू इंस्टॉल सिम कार्ड इन योर लैपटॉप। तो यार, उस पर आपका रिस्पॉन्स तो अच्छा है ही था, बट यार मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, वो कह रहे थे कि यार हमारे पास डेल का लैपटॉप है या फिर हमारे पास लेनोवो का लैपटॉप है, तो हम उसमें गए सिम कार्ड के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करें। तो यार, उस वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने HP के लैपटॉप के बारे में बताया था कि अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो उसमें आप कैसे सिम कार्ड के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे। तो यार, मैंने कहा आपकी इस क्यूरी को भी सॉर्ट आउट कर दूं, तो इसीलिए आज की वीडियो मैं बना रहा हूं कि आपको बता सकूं कि अगर आपके पास कोई HP के अलावा डेल का या फिर लेनोवो या फिर तोशिबा का लैपटॉप है तो उसमें आपने सिम कार्ड के ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करना है। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि आपने HP डेल तोशिबा और लेनोवो अगर आपके पास इन ब्रांड में से कोई लैपटॉप है तो उसमें अपने सिम कार्ड के ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करना है ताकि आपकी जो सिम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। अगर आपके आपका जो लैपटॉप है मतलब कि किसी और ब्रांड का है अदर देन दीज फोर ब्रांड्स, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है @shadebiqbal01, तो आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर स्पेसिफिकली बता दूंगा अगर आपका कोई मतलब के अदर देन वैसे यही मतलब कि मेन जो ब्रांड है, चार फेमस जो ब्रांड है यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका किसी कोई और लैपटॉप है किसी और ब्रांड का तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वहीं पर ही। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई ऐसी टैक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो गाइस, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आपने ओरिजिनल ड्राइवर सिम कार्ड के लिए कैसे डाउनलोड करने हैं और कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो सिंपली आप क्रोम ब्राउज़र में चले जाएं और वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले मैं आपको HP के लैपटॉप्स के लिए बता देता हूँ, एक दफ़ा दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ कि आपको पता चल जाए अगर आपके पास कोई HP का लैपटॉप है। सिंपली आपने सर्च कर लेना है HP ड्राइवर्स, तो फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना। आपने हमेशा ना जिस मर्जी जो मर्जी ब्रांड हो तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है। तो यहाँ पे अपने सीरियल नंबर सिंपली इनपुट कर देना है, तो मैं भी अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो भी सीरियल नंबर हो आप इनपुट कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो लैपटॉप का नेम होगा वो फैच कर लेगा। तो अभी देख लें, इसने फैच कर ली है HP लीडबकेट 40G3। तो यहाँ पर सिंपली आप देख लें, नीचे आपको ड्राइवर्स नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिला, ड्राइवर नेटवर्क। तो यहाँ पर आप देख लें थर्ड नंबर पे है HP LTE 4120 स्नैपड्रैगन X5 LTE ड्राइवर आर एस। तो ये है जी हमारा सिम कार्ड का ड्राइवर। तो सिंपली आपने ये डाउनलोड कर लेना, मैंने डाउनलोड किया हुआ, तो आपने सिंपली ये डाउनलोड कर लेना। तो ये है आपका HP के लैपटॉप के लिए मेथड, ठीक है। अगर ये हर मॉडल का ना डिफरेंट होता है मतलब का ड्राइवर नेम वगैरह सब कुछ, क्योंकि हर मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग होती हैं, उसका सारा सेटअप अलग होता है, बट जो मेथड है ना सारा प्रोसीजर वगैरह वो सेम ही है। सिंपली आपने ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद अपने ड्राइवर और सॉफ्टवेयर के सेक्शन में जाके अपना सीरियल नंबर इनपुट करना है, फिर अपना नेम डालना है, तो वहाँ से आपने ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं डेल के लैपटॉप के लिए। तो सिंपली आपने सर्च कर लेना है डेल ड्राइवर्स, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर अ डेल सर्विस टैग डेल EMS प्रोडक्ट एड योर मॉडल। यहाँ पे आप मॉडल भी इनपुट कर सकते हैं और उसके बाद उसका जो सीरियल नंबर होता है वो भी आप इनपुट करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं मॉडल इनपुट कर लेता हूँ, तो मैंने एक मॉडल निकाला हुआ था जिस जो सिम कार्ड सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं लेटीट्यूड E5470। तो सर्च के बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो ये देख लें इस लैपटॉप के जितने भी ड्राइवर्स होंगे उसने हमें शो कर दिए हैं। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेरा भी विंडो 1064 BT तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ, आपका जो भी हो 7 विंडो 7 या फिर 8 जो भी है वट एवर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें सारे ड्राइवर्स आ गए हैं जो कि इस लैपटॉप के हैं, 69 और भी हैं। तो ये आप देख लें सारे इसके ड्राइवर थे, काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर हैं। तो हमें चाहिए सिम कार्ड ड्राइवर, तो यहाँ पर अपने कैटेगरी में जाना है,
तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा मोडेम एंड कम्युनिकेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आप देख लें आपके सामने ये मॉड्यूल क्वालकम स्नैपड्रैगन X5 LTE फर्मवेयर एंड GNSS ड्राइवर, तो ये बेसिकली है इसका सिम कार्ड का ड्राइवर है। तो ये आप पढ़ भी सकती हैं, देखिए द पैकेज कॉन्टेन द डेल वायरलेस, ये आपको बता देगा कि दोस्त ने बताया ना, तो मे भी आपका जो आपके लैपटॉप पे फर्स्ट वाला ना चले सेकंड वाला चल जाए। तो ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, जो आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग सेट हो रहा हो वो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हर लैपटॉप की जो कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो जो भी आपका लैपटॉप होगा ना, अभी मैं ये HP के लैपटॉप पर सर्च कर रहा हूँ, सारा कुछ मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आपका डेल का लैपटॉप होगा ना, तो आपने सर्च में लिखना है बस यहाँ पर डेल ड्राइवर्स, तो वो जो ऑटोमेटिकली ना आपके जो लैपटॉप होगा ना उसको मतलब डिटेक्ट कर लेगा, और जो आपकी कन्फिग्रेशन फाइल्स होंगी ना लैपटॉप की, तो उसी के अकॉर्डिंग ना आपको वो जो ड्राइवर होगा वो सजेस्ट करेगा। तो मेरा तो अभी HP का ना, तो इसलिए वो मुझे जनरल शो कर रहा है, देखें दोनों शो कर रहा है। अगर आपका जो भी लैपटॉप होगा ना, मैं भी अगर डेल के लैपटॉप पे कर रहा था ना, तो मुझे वो एक ही शो करता, क्योंकि वो उसी के कन्फिग्रेशन फाइल्स को डिटेक्ट करता, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो ड्राइवर बता रहा था जो उसको सूट करता है। तो आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना, तो आपका जो ड्राइवर होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये है जी मेथड उसका डेल के लैपटॉप का। तो अगर आप, मैं आपको बता भी दूँ, देखिए मैंने एक और भी यहाँ पे निकाला हुआ था, मैं आपको वही बता देता हूँ। तो ये देख लें, ये मैंने सर्च किया था लैटिट्यूड E6400, तो है डेल का ही लैपटॉप, बट ये देखें इसका जो ड्राइवर है ना, इसके ड्राइवर वो देखें बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अब उसके देखे कोई और थे, अब इसके देखे यहाँ पे 4-5 शो कर रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर मॉडल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपको डिटेक्ट करके बता रहा होता है कि ये वाला जो मॉडल है इस पर ये सूट करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने डाउनलोड कर लेना। तो देखें अब यहाँ पर ये E6400 है, तो इसका ये वाला ड्राइवर शो कर रहा है, मोबाइल ब्रॉड बैंड CDM में वॉट एवर। तो ये आप देख लेना, आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग वो डिटेक्ट कर लेगी वेबसाइट खुद ही, तो आपको वो शो कर देगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बस अब मेन जो बेसिक इसका नेम है ना, मोबाइल ब्रॉड बैंड या फिर आपने स्नैपड्रैगन LTE, ये दो कीवर्ड अपने जहन में रखने, ठीक है। ये दो कीवर्ड इसी के रिलेटेड जो भी होगा ना, क्या ड्राइवर मतलब कि मॉडल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट जो मोबाइल ब्रॉड बैंड और स्नैपड्रैगन LTE, ये दो चीज़ें अपने बस जहन में याद रखनी, किसी भी ब्रांड के लिए हो जाए, ये ऐसी इसी रिजेंबलेंस जो भी ड्राइवर। तो अब हम बात कर लेते हैं लेनोवो के लैपटॉप के लिए, अगर आपके पास कोई लेनोवो का लैपटॉप है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो सिंपली अपने सर्च कर लेना लेनोवो ड्राइवर्स, और यहाँ पे देखना ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना। तो ये लोड हो रहा है, तो मैनुअल अपडेट आपको भी दिखा रहा है। तो सिंपली आप साइड पे देख लें, लिखा हुआ एंटर सीरियल नंबर। तो अभी तो मैं HP का मेरे पास लैपटॉप, आपके पास लेनोवो का लैपटॉप होगा तो आप लेनोवो के लिए देख रहे हैं ना, तो आपने सिंपली अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर यहाँ पर इनपुट कर देना, जो भी आपके लैपटॉप के ड्राइवर्स होंगे वो यहाँ पर साइड डिटेक्ट करके शो कर देगा, या फिर आप यहाँ पर इसके स्टार्ट स्कैन पर क्लिक कर सके, ऑटोमेटिक जो होगा ना आपके PC आपके लैपटॉप को डिटेक्ट करेगा ये, और आपको ड्राइवर सारे शो कर देगा। उसमें आपके सिम कार्ड के ड्राइवर्स भी होंगे, आपको मैंने बताया था दो कीवर्ड, एक मोबाइल ब्रॉडबैंड और एक स्नैपड्रैगन LTE, तो इसी से रिजेंबलेंस रखते होंगे वो भी, तो आपने मैच कर लेने हैं। तो अभी तो मेरे पास कोई सीरियल नंबर है नहीं किसी लेनोवो के लैपटॉप का, सिंपली आपको मैं जनरल बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना, जो भी विंडो है, तो मैं यहाँ पर अभी यहाँ पे विंडो 10 आप सेलेक्ट कर लें, जो भी आपकी है तो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई सीरियल नंबर है ही नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखें, नेटवर्क एक ऑप्शन होगा, ये देख लें नेटवर्किंग वायरलेस वैन, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। तो आपके सामने देखें फर्स्ट नंबर पे ये ड्राइवर आ गया, लिनोवो मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्टिवेशन फॉर विंडोज 7 32 बिट 64 बिट। तो ये विंडोज 7 के लिए स्पेसिफिकली, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि विंडोज 7 में कैसे इंस्टॉल करना, तो उसके लिए उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये है। तो ये देख लें यहाँ पर लिखा हुआ लिनोवो मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्टिवेशन, तो सिंपली आपने ना ये देखें डाउनलोड का बटन है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करके इस ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपको नहीं पता है क्या प्रोसेस होगा, देखें आपने इन्होंने एक फाइल रीडमी फॉर लिनोवो मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्टिवेशन, तो ये भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें सारा कुछ लिखा होगा प्रोसीजर कैसे हमें डाउनलोड करना है, कैसे इसका लिंक करना है, सारा कुछ वो आपको इसी फाइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ऊपर से सारा सिलेक्ट भी कर सकते हैं,
उसके बाद ये डिफरेंट इन्होंने कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और भी सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो अभी मेरे पास सीरियल नंबर कोई है नहीं था लिनोवो का लैपटॉप का, वरना आपको बता दें। वैसे बेसिकली जो ड्राइवर है वो यही है, लिनोवो मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्टिवेट, सिंपली हमने इसको डाउनलोड कर लेना है और आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। कर लेना है तो शिवा के लैपटॉप्स के बारे में, तो सिंपली आपने गूगल पे सर्च कर लेना तो शिवा लैपटॉप सिम कार्ड ड्राइवर। तो ये जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ ना, ये स्पेसिफिक आपको बताई गई सिम कार्ड ड्राइवर से, मतलब कि आपको और कोई ड्राइवर भी नहीं शो करेगा। अगर आपको कोई और ड्राइवर चाहिए ना तो फिर आपने यहाँ पे सर्च करना है तोशीबा ड्राइवर्स, सिंपली आपने तोशीबा ड्राइवर्स लिखना है यहाँ पर, समझे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिक अभी उसके सिम कार्ड ड्राइवर्स की, सिंपली आपने सर्च कर लेना है तोशीबा लैपटॉप सिम कार्ड ड्राइवर। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको देखें नजर आ रहा है डाउनलोड तोशीबा मोडेम ड्राइवर्स फॉर विंडोज, सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर अपना मॉडल नंबर इनपुट कर लेना है अपने लैपटॉप का। तो मैं यहाँ पर एक मैंने लिया हुआ था, मैं इनपुट कर देता हूँ तोशीबा पोर्टेज D30A। तो आपने वही मॉडल इनपुट करना है जो सिम कार्ड सपोर्ट करता हो। अब मुझे मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लैपटॉप सिम कार्ड सपोर्ट करता है कि नहीं। यार ये कुछ क्वेश्चन है, अगर आपके लैपटॉप में कोई पोर्ट सिम की अवेलेबल होगी तो सपोर्ट करेगा ना, वो अलग बात है कि आप सिम कार्ड रीडर के थ्रू भी सिम चला सकते हैं। अगर आपको उस पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपके लैपटॉप में कोई पोर्ट अवेलेबल भी नहीं सिम कार्ड की तो फिर भी आप चला सकते हैं, तो वो मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। तो सिंपली अपने सर्च कर लेना यहाँ पर मॉडल इनपुट करके। तो ये देखें इसने मुझे अभी सिम कार्ड का ड्राइवर शो कर दिया। आपको मैंने पहले बताया स्पेसिफिक आपको बताएगी सिर्फ सिम कार्ड का ड्राइवर। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडो जो भी है आपकी, मैं यहाँ पे भी विंडो 1064 बिट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको ड्राइवर शो करेगा। तो ये देख लें तोशीबा पोर्टे D30A सीरिया वायरलेस LTE ड्राइवर। तो ये दो ड्राइवर ने शो कर दिए हैं, ये पहला विंडो 10.8.1 का सॉरी, और सेकेंड वाला विंडो 7 का। तो जो आपकी विंडो है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी जो ये इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह लिखे होते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये पढ़ लीजिएगा, आपको पता आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ड्राइवर आपके लैपटॉप को सूट कर रहा है, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये प्रोसीजर है सारा। बाकी अगर आपका तोशीबा का लैपटॉप होगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेगा आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्राइवर शो कर देगा जो कि आपके लैपटॉप के लिए कंपैटिबल होगा। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी सारा कुछ पढ़ सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए। तो बस ये प्रोसीजर था यार, ऐसे ही आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे सिम कार्ड का ड्राइवर। तो ऑल इन ऑल ये आपको मैं कहना चाहूँगा, आपने सिंपली इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और दो कीवर्ड याद रखने देने, मोबाइल ब्रॉडबैंड और स्नैपड्रैगन LTE, इसी से रिजेबलेस रखते होंगे जो भी आपके ड्राइवर्स होंगे सिम कार्ड के, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो सके। तो बस यही आज की वीडियो, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।